कल नवरात्र शुरू हो रहा है और मैं आज चौक स्थित बड़ी काली जी मंदिर, जो प्राचीन मंदिर कहलाया जाता है, आज मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। कल से नवरात्र शुरू होंगे, आज यहाँ पर तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं आज हम देखते हैं। यहाँ पर सरकार की गाइडलाइन के तहत यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाया गया है, जहाँ से हम अंदर जाएंगे, यहाँ से भक्तों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी और एक टाइम में 100 लोगों की ही अनुमति दी गई है। जो 100 लोग अंदर से निकल आएंगे उसके बाद ही दोबारा दूसरे भक्तों को एंट्री दी जाएगी। हम यहाँ पर ऊपर आ गए, यहाँ से हम आपको बता दें किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। कल जो नवरात्र शुरू होने वाला है, मगर कोविड-19 की चपेट में आज सारे धर्म के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, फेस्टिवल होते थे, जो भी होता था, वो सब आज कोविड-19 के चलते वो सब उसने समेट लिया है। और यहाँ हम प्राचीन मंदिर है, बड़ी काली है नवरात्रि के लिए, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर बनाए गए भक्तों के लिए गोले। ये आप गोले देख सकते हैं, यहाँ भक्तों के लिए गोले बनाए गए हैं। और यहाँ अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से जो निकास है, जो भक्तों की निकास होगी, वो ये निकास द्वार बनाए गए, यहाँ से भक्त अपनी मनोकामना पूरी करा के उसके बाद वो यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से ये नवरात्र भी कोविड-19 यानी कोरोना के चपेट में आ गया, जिसकी वजह से आज जो बाहर मेला लगता था, कई साल पुराना ये मेला है जो लगता था, वो भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन है कि वो जिस तरह से अगर यहाँ पर मेला लगेगा तो पब्लिक भी ज़्यादा बढ़ेगी, जो पब्लिक ज़्यादा बढ़ेगी तो कोरोना के चांसेस बढ़ने के ज़्यादा होंगे, इसलिए सरकार की गाइडलाइन के तहत यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो पालन किया जा रहा है। हम यहाँ पर के जो कर्ता धर्ता हैं उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियाँ वो लोग आगे कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामेंद्र। अच्छा, किस तरह की कल नवरात्र शुरू होने जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं ये बड़ी काली जी की मंदिर में? बड़ी काली जी मंदिर में जो हम लोग की जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसका फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग गेट पर सैनिटाइजर मशीन लगा रहे हैं, सेंसर वाली, जिसमें जैसे ही प्रवेश करता है आदमी तुरंत उसको सैनिटाइज हो जाएगा। और महिलाओं और पुरुषों की लाइनें अलग अलग होंगी, जो गोले बनेंगे, गोले में खड़े होकर ही दर्शन करेंगे और मास्क का प्रयोग मस्ट है। अच्छा, यहाँ प्रवेश द्वार दिया क्या, निकास द्वार भी है? जी, एक हम लोगों ने ये व्यवस्था की, अगर कोरोना महामारी को देखते हुए एक व्यवस्था की गई है, जिसमें एक तरफ से जो हमारा हमेशा मार्ग एक ही रहता था, जिसमें काफ़ी कंजेशन हो जाती थी, महामारी को देखते हुए हम लोगों ने अब की बार ऐसा प्रबंध सरकार के निर्देशानुसार किया है कि एक तरफ से हम लोग प्रवेश लेंगे और उसके बाद माता के भवन का दर्शन करा के दूसरी तरफ से उनको निकास। अच्छा, आपका मेला लगता था, क्या वो मेला भी नहीं लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, अब की बार जो है सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मेले की परमिशन नहीं दी गई है, और जो मंदिर में जो भक्तों की जो गाइडलाइन दी गई है उसमें 100 से अधिक भक्तों के प्रवेश पर बैंड। हमारे साथ डॉक्टर साहब जो कि यहाँ के मंदिर के देखरेख करते हैं, इनसे हमने यहाँ पर बात की, पूरी तरह से बताया कि सरकार के दिए हुए गाइडलाइन का यहाँ पर पूरी तरह से पालन कराया जाएगा, और यहाँ के भक्तों से भी उनकी रिक्वेस्ट है कि वो पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का पूरी तरह से इस्तेमाल करें, जिससे उनकी वजह से किसी दूसरे भक्त को तकलीफ ना पहुँचे। मैं वखार हुसैन, पावर ऑफ जन अधिकार से।